टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पर क्लिक करके, और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बोट स्टोन 200 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, जो 3 वॉट का है। दोस्तों, आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। मैंने इसे लगभग 2 साल पहले ख़रीदा था अमेज़न से, वो भी 1300 रुपये में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा परफॉर्मेंस मेरे को 2 साल से दिया, अभी तक इसका हालत कैसा है, और आप इसे ले सकते हैं या नहीं, ये वीडियो देखकर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहली बात मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस स्पीकर को मैंने लगभग 2 साल पहले ख़रीदा था अमेज़न से 1300 रुपये में, और मैंने ब्लैक कलर का ख़रीदा था। दोस्तों, आपको इस स्पीकर का 3 कलर देखने को मिलेगा, पहला ब्लैक, दूसरा ब्लू और तीसरा ऑरेंज। तो ये 1300 रुपये में तो आपको अमेज़न में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी स्पीकर को अगर आप फ्लिपकार्ट में सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका दुगना प्राइस यानी कि 2400 रुपये वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं देख के चौंक गया दोस्तों, आप भी देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट दोनों का। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है और मुझे 1 साल यूज़ करके कैसा लगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस स्पीकर में बहुत ही अच्छा, ये रगेड प्रूफ स्पीकर है। मान लीजिए गिर गया आपके हाथ से तो भी इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये रगेड प्रूफ है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, ये वाटरप्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है एंड शॉक प्रूफ भी है। मतलब इस स्पीकर को आप बजाते रहिए, गिर जाए, कुछ भी हो, पानी में चला जाए, कुछ भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें 1500 mAh का आपको बैटरी देखने को मिलेगा, जो आपको लगभग बैकअप देगा 10 घंटे का। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि अगर फुल वॉल्यूम में अगर आप सुनते हैं इसमें गाने, तो 10 घंटे की जगह 8 घंटा इसमें आपको बैकअप मिलेगा। लेकिन 80% यानी कि 80% आप अगर इसमें वॉल्यूम रखते हैं और गाने सुनते हैं, तो आपको टोटल 10 घंटे का बैकअप मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा आपको बैकअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ब्लूटूथ 4.0 का इस्तेमाल किया गया है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें ब्लूटूथ का जो रेंज है वो है 11 मीटर 11 मीटर तक ये आपके फ़ोन से कनेक्टेड रहेगा, उससे ज़्यादा जाएंगे तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें 3 वॉट का आपको पावर आउटपुट मिलता है, इको मिलता है, नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए आपको यहाँ पर एक माइक अलग से दिया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पर वॉल्यूम बटन, पावर बटन ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, वो भी बटन वहाँ पर दिया गया है। और सबसे बेहतरीन बात, आप इसमें कॉल भी उठा सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, डायरेक्टली इससे बात कर सकते हैं, इसमें जो माइक दिया गया है। साइड में आपको देखने को मिलेगा एक ऑक्स पोर्ट, जिसमें आप ऑक्स केबल लगा के इसमें गाने सुन सकते हैं। साथ साथ वहीं पे आपको एक चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा, जिससे आप इस स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों सीधे कॉन्क्लूशन में, कि मुझे ये 2 साल यूज़ करके कैसा एक्सपीरियंस हुआ और इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बुराई की बात करूं तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसा बुरा नहीं है। मुझे 2 साल एक्सपीरियंस करके मैं बता दूं कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, 3 वॉट का आउटपुट जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें जो 10 घंटे का बैकअप आपको बोला जा रहा है, वो रियलिटी में आपको मिलता भी है। मतलब अगर आप 80% वॉल्यूम में अगर इसे सुनते हैं तो 10 घंटे का आपको बैकअप मिलता है, बट अगर आप सुनते हैं एकदम फुल वॉल्यूम में तो आपको 8 घंटे तक का एकदम आराम से बैकअप मिल जाएगा। मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है दोस्तों। और अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी जो है इसका रगेड प्रूफ है, मेरे से 2-3 बार गिर भी गया था, बट इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसमें जो है स्क्रैच भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, इसका साउंड क्वालिटी, डिज़ाइन, इसका जो बैटरी बैकअप, सब कुछ मेरे को अच्छा लगा। बस आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें दोस्तों, कि इस प्रोडक्ट को आप फ्लिपकार्ट से ना ख़रीदें, क्योंकि वहाँ डबल दाम दिया गया है और सेम प्रोडक्ट है। आप खुद से देख सकते हैं जाके, अमेज़न और फ्लिपकार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दोनों में आप जाकर देख लीजिए किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय बाय।